यहाँ ना मैं निटवियर एक्सिबिशन में ब्रांडेड कपड़ों पर लगने वाले ब्रांडेड लेबल संबंधी व्यापारियों द्वारा जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने नकली लेबल लगाकर बाजार में सामान बेचने वालों से सावधान होने को कहा। जनरली क्या है कि स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस के अंदर ही अगर ऐसी चीज़ें रुक जाएं तो गलती का स्कोप नहीं होता। अगर मैं ही गलत बनाने लोगों के लिए शुरू कर दूंगा, डुप्लीकेट से शुरू कर दूंगा, तो कोई ब्रांड आकर के पकड़ नहीं सकता कि लेबल क्या है। लेबल का तो बनाने का तो तरीका सेम ही रहेगा। तो जनरली अगर कोई भी जो इस तरह के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कॉपी करते हैं और हमारे पास लेबल की रिक्वायरमेंट लेकर के आते हैं, तो हम उनसे एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मांगते हैं कि आप ऑथराइज हैं इस ब्रांड के लिए बनाने के लिए कि नहीं। अगर उनके पास लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं है तो हम लोग वो नहीं बनाते। सर, इसके लिए कंज्यूमर को ही इनिशियल लेना पड़ेगा कि एक ब्रांड जो एक एडवर्टाइजमेंट करके अपने ब्रांडिंग करता है, वो उनको मैं ये अवेयर करना चाहता हूँ कि वो कोई भी चीज़ ले तो शोरूम से ले, ना कि कोई पटरी या जो जो साइड शॉप्स होती हैं उनसे ना लेके, ऑथराइज उनसे ले, क्योंकि वो जो चीज़ ले रहे हैं वो ब्रांड का नाम ले रहे हैं लेकिन चीज़ लेते हैं डुप्लीकेट। तो वो उसकी प्राइसी रोकने का तरीका यही है कि एक तो है कि जो कंट्रोल करना चाहिए ऊपर से कि ये चीज़ें पहले मार्केट में बने ना, और दूसरा अगर बनता भी है, अगर है तो लोग खरीदे ना।